नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दुमेंद्र सिन्हा हैं जो CGPAT में टॉप किए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का मकसद ये है CGPAT के एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। दुमेंद्र, आपका ऑल ओवर रैंक कितना था छत्तीसगढ़ में? सर, मेरा CGPAT 2022 में मेरा रैंक 176 था, जिसमें मेरा 120 नंबर आया था। 120 नंबर आपका आया हुआ जी। एक सप्ताह पहले क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए अगर कोई स्टूडेंट CGPAT की तैयारी कर रहा है तो? सबसे पहले है कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसे एक साल से पढ़ रहे हो या फिर क्रैश कोर्स कर रहे हो, तो इसमें भी रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। रिवीजन के बीच आप कोई भी नया चीज़ ना उठाएं, जैसे कि नया बुक या नया टॉपिक, इसे क्या डिस्ट्रैक्ट होता है, इस नया सब्जेक्ट या फिर नए टॉपिक को अवॉइड करें। दुमेंद्र जी, सर PAT एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले अगर हम OMR सीट को प्रिंट करा लेते हैं और उसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का, PAT एग्ज़ाम 3 घंटे का रहता है, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को घर में बैठ के OMR सीट में 2.5 घंटे में तैयारी करने की कोशिश करते हैं कि 2.5 घंटे में हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होते, और OMR में गोला लगाने की जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? जी सर, ये प्रैक्टिस करना बहुत ही बेनिफिशियल है कि इसमें हमको ये पता चलता है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर में जाके गलती बैठते हैं, किसी दूसरे नंबर के चक्कर में हम दूसरे नंबर में गोले लगा पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि इंक गोले से बाहर निकल जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुमेंद्र, किस टाइप के पेन का यूज करना चाहिए, किस कलर का हमको MR सीट फिल करने के लिए? इसमें हम लोग को जहाँ तक हो सके ब्लैक पेन रिकमेंड करना चाहिए, और उस ब्लैक पेन का निक 1 mm या फिर 1.5 mm होना चाहिए। इससे क्या है, गोला में हम भरने में ज़्यादा आसानी रहेगी और टाइम का भी बचत होगा। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि जो मार्केट में 1 से 1.5 mm का जो इंक का थिकनेस होता है निब का, उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गोला रहता है MR सीट का उसको भरने में आसानी होती है। क्या है, गोला लगाने में बच्चे गलती करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर किसी और में होता है, या फिर जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें 2 गोला लगा लेते हैं, या फिर गलती से गोला ही नहीं लगा पाते, या फिर फीका गोला लगाते हैं, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करिए। इसमें है कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसका नंबर याद रखें, मतलब देखे किस नंबर का कितना आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे नंबर के चक्कर में दूसरा गोला लगा बैठते हैं, जिसे आपका मार्क्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। दुमेंद्र, एग्ज़ाम जिस दिन रहता है उस दिन बच्चों के अंदर डर रहता है कि आज मेरा एग्ज़ाम है PAT का, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, तो जो एग्ज़ाम फियर होता है उस डर को कैसे कंट्रोल करें, और एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले कैसा अपने स्टूडेंट का बिहेवियर होना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? एग्ज़ाम में कभी डरना नहीं चाहिए, इसे क्या गड़बड़ी होती है। एग्ज़ाम होने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले रिलैक्स फील करें, इसमें क्या आप मेडिटेशन कर सकते हैं और रिलैक्स फील करिए। अच्छा दुमेंद्र, जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो हमारे पहचान के दोस्त लोग मिलते हैं, कोचिंग के दोस्त रहते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगता है कि यार क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, यार इस बार क्या होगा, तो उसको कैसे हमको कन्विंस करना चाहिए? इसमें है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में जब भी जाएँ तो दोस्तों से बात करना अवॉइड करें, इससे क्या कन्फ्यूज़न में क्रिएट होता है। इस कन्फ्यूज़न के कारण आप जो भी पढ़े हैं या फिर जितना भी रिवीजन हुआ है उसमें प्रभाव पड़ता है। आप इसके कारण हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी रिवीजन किए उसका जो भी आंसर आप भूल सकते हैं। अच्छा दुमेंद्र, टेस्ट सीरीज़ अगर अटेंड किए हैं एक सप्ताह पहले, अगर जितने भी कोचिंग के हम टेस्ट दिए या फिर जो वीकली टेस्ट हुए रहते हैं मेगा टेस्ट, उसको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए। ये टेस्ट का अपना मार्क्स भी गेन करते हैं, अपना नॉलेज भी बढ़ाते हैं, और अपना जो सही कॉलेज लेना चाह रहे हैं, अपने मनचाहे कॉलेज लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब एग्ज़ाम पास आ गया है तो थ्योरेटिकल चीज़ में फोकस करना चाहिए थ्योरी पढ़ने में, या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में फोकस करना चाहिए? इस समय एग्ज़ाम के समय हमेशा ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकल में क्या कन्फ्यूज़न होता है, ऑब्जेक्टिव क्या के अंतर्गत आपको कैस इजी भी होता है और आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। दोस्तों, दुमेंद्र ने बहुत ही अच्छा सजेशन आपको दिया है
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको OMR सीट चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च करिए अखिल एग्रीकल्चर, वहाँ पे उस चैनल के अंदर फाइल के सेक्शन में जाइएगा तो आपको OMR सीट अवेलेबल रहेगा। उस OMR सीट को डाउनलोड करिए, प्रिंट कराइए और उसमें गोला लगाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती बच्चे गोला लगाने पे करते हैं, वहाँ पे मिस्टेक होता है, तो उसको इम्प्रूव करिए।